जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका। बोलो शंकर भगवान की। ओम आकाशे तारकालिंगम पाताले हाट के श्रम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। आज जो आज सावन का महीना है, सावन के महीने में जितने भक्तगण आज हरिद्वार में आ रहे, पूरे हिंदुस्तान में इस समय है कांवड़ का जो मेला है पूरे हिंदुस्तान में होता है, ज़्यादातर हमारे उत्तरी भारत में इसको मनाया जाता है। तो ये मान्यता हमारी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शंकर ने जो विषपान किया था, विषपान होने के बाद क्या हुआ कि भगवान शंकर के जो कंठ में जो जितना भी विष था वो कंठ में आ गया, उससे भगवान शंकर के अंदर पसीने आ गए, भगवान शंकर के अंदर एक गर्मी उत्पन्न हो गई। तो उस समय ये हुआ कि जितने भी देवी देवता उस समय थे सब ने क्या किया, भगवान शंकर को जल अभिषेक किया। जल अभिषेक से क्या हुआ, भगवान शंकर के अंदर जो विष की वो जो गर्मी थी वो शांत हो गई। तो हम जो भगवान शंकर को जल जो हम अभिषेक करते हैं, जो आपने देखा होगा कि भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा जल से ही अभिषेक किया जाता है, क्योंकि जल से क्या हुआ कि जल से विष का जो प्रभाव है वो भगवान शंकर में शांत हो गया, इसीलिए भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है। जब दक्ष कन्या सती जो है यहाँ पर सती हो गई कनखल में किसी कुंड के अंदर, तो भगवान शंकर ने फिर यहाँ पर अपने गण भेजे, गण के भेजने के बाद में उन्होंने पूरी यज्ञ को तहस नहस कर दिया और भगवान ने जो है दक्ष का शीश काट दिया। शीश काटने के बाद में फिर पूरा हाहाकार पूरे ब्रह्मांड के अंदर मच गया। उसके बाद जो है सभी देवताओं ने स्तुति करी, भगवान शंकर ने जो है बकरे का मुख जो है दक्ष के जो है धड़ के ऊपर लगाया, उस जो बकरे का मुख था उसने बम बम कहकर जो है भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, इसलिए भगवान शंकर को बम बम नाम भगवान शंकर को श्रावण मास में विशेष प्रिय है। उसके बाद भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया तो दक्ष ने उनसे आशीर्वाद के सूर्य मांगा, आप पूरे श्रावण काल के अंदर आप हरिद्वार के अंदर निवास करेंगे और यहीं से आप सृष्टि का संचालन करेंगे। उस वचन के अनुरूप पूरे श्रावण मास में श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से लेके रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तक भगवान शिव जो है आशुतोष जो है कनखल की नगरी में दक्ष की नगरी में निवास करते हैं और यहीं से पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ भी जल चढ़ता है, हमारे बिल्केश्वर महादेव है यहाँ भी जल चढ़ता है। आप देखिए कि हमारे उत्तर भारत में जहाँ जहाँ भी भगवान शंकर के मंदिर है वहाँ जल चढ़ता है। और जो मनसा देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर भी जो है मनसा देवी को विश्वकन्या कहा जाता है, वो जो है भगवान शंकर की पुत्री है। भगवान शंकर की जो पुत्री होने के नाते जो जितने भी हमारे नाग है, जैसे सांप है, सांप आदि का जो भय होता है वो मनसा देवी में जब हम जाते हैं, मनसा देवी की आराधना पूजा जब हम करते हैं तो जो विष का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। और बाकी जो जल है वहाँ पर मनसेश्वर महादेव हमारे मनसा देवी में है, वहाँ भी जल चढ़ता है। जल की जो बात है आप पूरे भारत में जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी जाएंगे भगवान शंकर को हर जगह जल चढ़ता है। देखिए भगवान शंकर जो है त्रिपुरारी है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन मैं जैसे आप देखेंगे आप गंगा जी के अंदर यदि आप पहले आए तो आपको एक भी पत्ता ही बहता नहीं मिलेगा, प्लास्टिक नहीं मिलेगी। अब आप देखो जितने भी कांवड़ के लोग आते हैं उन्हें मालूम नहीं है, जल पिया बोतल फेंक दी। स्वच्छता का ध्यान, मैंने कहा ना कि नियम का नियम में पहला है शौच, शौच अपना भी जो है वो स्वच्छ रखें और जिस स्थान में जा रहे हैं उस स्थान को भी स्वच्छ रखें, ये विशेष ध्यान रखें। इसके द्वारा ही आपकी मनोकामना सिद्धि संभव है। आप झूठा कूटा मचाएंगे, झूठ गंगा में डालेंगे, मलमूत्र इत्यादि करेंगे, जो दूसरा व्यक्ति है उसका भी जीवन खराब होगा, आपका जीवन भी खराब होगा। दो प्रकार के गृहस्थी होते हैं, एक तो गृहस्थी वो होते हैं जो किसी विशेष मनोकामना के द्वारा भगवान शंकर की पूजा करते हैं, वो लोग जो है श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रक्षाबंधन तक का जो है विशेष बंधन करते हैं, नित्य अभिषेक भगवान शंकर का जल के द्वारा होता है। इसमें विशेष रूप से कहा जाता है कि गदली गंगा का जल,
इस वक्त की जो है गंगा माई जैसे स्त्रियां परमंथ में जो है रजस्वला होती है, ये इनमें नदियां भी जो है इस मास में जो है रजस्वला हो जाती हैं। लेकिन गंगा को जो है देव नदी कहा है, इसको इसका दोष नहीं लगता। जबकि ये गदली गंगा बोलते हैं, इसमें स्नान करना और इस जल को भगवान शंकर के ऊपर जो है उस अभिषेक करना, ये वरदायिनी कहलाती है, ये वर देने वाली होती है। यदि इस जल को गंगा जी को जल को जो है भगवान शंकर के ऊपर जाकर अभिषेक किया जाता है तो उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। 11 दिन का अभिषेक विशेष रूप से कहा जाता है, आप प्रतिपदा से लेकर एकादशी तक, या जो है आप पूरे 15 दिन अभिषेक करें। आपका विधान ऐसा है, यदि आपके मन में कोई मनोकामना है, यदि आप जो है 21 प्रकार से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है, जिसमें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शंकर के ऊपर जल और बिल्व पत्र का अर्पण करना, यह सर्वोत्तम है। सभी जाति के लोग इसे कर सकते हैं। किसी के लिए कोई विधान नहीं है कि ब्राह्मण ही करेंगे या क्षत्रिय करेंगे। समस्त जाति के लोग जो है भगवान शंकर की उपासना कर सकते हैं, चाहे किसी संबंधित हो, और ओम नमः शिवाय का जाप सभी कर सकते हैं। भगवान शंकर के ऊपर जल और जो है बिल्व पत्र, ये दो विशेष सावन के अंदर चढ़ाने का विशेष महत्व है। अब तो लोग बाग जो है अलग अलग प्रकार की मनोकामना लेकर आते हैं, लेकिन मनोकामना उसकी ही पूर्ण होती है जो कि यम का और नियम का पालन करने वाला हो। यम जो है 5 कहे गए हैं, अहिंसा, शौच, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 जो है यम कहे गए हैं, 5 ही नियम है, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये नियम कहे गए हैं पतंजलि ने। तो इन 10 का जो पालन करता है, अहिंसा पालन करता है, दूसरों को बुरा वचन नहीं बोलता, साथ में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है, किसी स्त्री की तरफ नहीं देखता, अपने आप को पूरी शुद्ध रखता है, कोई किसी प्रकार के नशे इत्यादि का सेवन नहीं करता, संतोष रखता है, साथ में झगड़ा इत्यादि नहीं करता है, उस व्यक्ति के मनोकामना कांवर ले जाने वाले की 100% जो है वो पूरी होती है। कांवरिया भाई से सबसे निवेदन है कि भाई जो भी आए यहाँ गंदगी ना करें, यहाँ गंदगी करने जैसे गंदगी कर रहे हैं गंदगी मत करें, साफ सुथरे आए, साफ सुथरे जाए, जब पुण्य करने आते हैं तो पुण्य वाला काम करें। बस शंकर भगवान से यही मनोकामना है कि हमारा पूरा भारत देश सही से रहे, सुकून से रहे। जितने हमारे कांवड़िया भाई है, जितने भोले हैं, सब अच्छे से जाए, उनके माँ बाप भी हर साल उनको भेजते रहे, अच्छे से खुशी से मन से आते रहे यहाँ पे हर साल। बस संदेश यही है कि और बाबा का नाम बढ़े, और भक्त और इकट्ठे हों, अच्छा लगे, यहाँ मेला लगे हर साल बाबा का, यही सबसे दुआ है। चलो सभी लोगों की प्रार्थना करते हैं, खुशहाल रहा है हमारा देश, खुशहाल रहा है, जब देश खुशहाल होगा तो हम भी खुशहाल होंगे सभी लोग। देखिए संदेश हमें यही देना है कि जो भगवान शंकर जो है, जो भगवान शंकर की पूजा करता है, आराधना करता है, भगवान शंकर ये नहीं मांगते हैं कि मुझे भाई ये दो या महंगी महंगी वस्तुएं जैसे मंदिरों में बाकी जगहों पे होता है। भगवान शंकर का ये है कि अगर आपकी श्रद्धा है, एक लोटा जल से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाती है। जो भगवान शंकर की पूजा करता है, उपासना करता है, भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होते हैं और जो भी वरदान आप उसे मांगते हैं वो प्राप्त हो जाता है। ओ शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय, बोल मंशा मैया की जय, चंडी देवी की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।